हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी के लिए यहाँ पे बीएड वालों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो है ऑर्डर आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि बीएड वाले अब नहीं हो पाएंगे। इसमें हम डिटेल में न्यूज़ देखेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ यहाँ पे निकल कर आया है। हाँ, ये ऑर्डर जो है कल ही आ गया था, बट किसी कारण बस हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएँ। और यहाँ पे चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे ऑफिशियल डिटेल निकल कर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 11 अगस्त 2023 का ये यहाँ पे जो है प्रेस रिलीज जारी करा गया था। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों के प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। क्या लिखा गया है, बीपीएससी ने सिर्फ यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया। जैसा कि आपको पता है कि उन्हीं का रिजल्ट आया सिर्फ डीएलएड वालों का। इससे पहले इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले से बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए। और यहाँ पे बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी शिक्षक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई की थी और डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही बिहार में भी हो रही शिक्षक नियुक्ति में प्राइमरी शिक्षक के उम्मीदवारों के लिए योग्य माना था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनको ऑफिशियली जो है बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। बीएड वाले उस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको इतना घबराया नहीं है, आप यहाँ पे जो है संयम बना के रखें। 628 के लिए जो है अभी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो 628 वाले में आप फॉर्म भरें। आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है तो आप उसमें कर सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। मैं इसमें कोई भी अपना ओपिनियन पर्सनल नहीं देना चाहूँगा कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, नहीं। यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सही, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ बहुत सही या फिर बहुत गलत, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हमें उसे मानना चाहिए, हमें उसे पालन करना है। और मैं बस बीएड वाले को इतना ही कहूँगा कि आप 628 के लिए प्रिपरेशन कीजिए, बस इसका तो वैकेंसी आ ही चुका है। अब बहुत जल्द यहाँ फॉर्म भरने का डेट और एग्ज़ाम वगैरह जैसा बताया जा रहा है आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिल जाएंगे। तो बस इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट।